प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ को एक नई पहचान दे रहा है। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ गया है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। आजमगढ़ में चीनी मिल का विस्तारीकरण हो चुका है। आजमगढ़ में हर गांव और हर मजरे को विद्युतीकरण के साथ जोड़ा गया है। आजमगढ़ में हर घर नल की योजना भी स्वीकृत की गई है। यहां पर गरीबों को मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 67,600 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। 63,206 अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है। 6,72,500 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रूपये सालाना उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। 1,37,900 से अधिक वृद्धजनों को, 40,300 से अधिक विधवा महिलाओं को और 32,400 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रूपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अकेले आजमगढ़ में लगभग 35 से 36 लाख लोगों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। 5,97,800 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया गया है। तो 2,57,000 से अधिक विद्युत के नए कनेक्शन फ्री में गरीबों के घर में भी लगाए गए हैं। और भाइयों बहनों, 2,200 से अधिक नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का काम भी आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है।